महाराष्ट्र के रत्नागिरी रायगढ़ जिले में भारी बारिश से जल जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कई इलाकों में पानी भर जाने से सभी को नुकसान हो रहा है। आपको हम कुछ वीडियो दिखा रहे हैं, कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि आप देख करके हैरान हो जाइएगा। नमस्कार, प्रणाम, इंडिया तक राजदेवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आपको हम लिए चल रहे हैं रायगढ़, रत्नागिरी और रायगढ़ में भारी बारिश से तबाही, जो कि आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं, 8 एरिया का तस्वीर दिखा रहे हैं, जो कि भारी बारिश से गाड़ी सड़कों पर तैरते हुए आपको दिखाई देगा, जो कि झोपड़पट्टी जो भी है सब डूब चुका है और सड़कों पे पानी पानी हो चुका है। आपको 36 घंटे से बता दें कि 36 घंटे से कंटिन्यू बारिश धीमी धीमी होते हुए ज़्यादा पानी भर चुका है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में पानी भर जाने से आप देख सकते हैं जल जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बदलापुर, भिवंडी, कल्याण, अकोला, रत्नागिरी, चिपकुल, ठाणे, नासिक, सभी जगह पे पानी भर चुका है। आप देख सकते हैं बुरा हालात है, जो कि महाराष्ट्र में इस कदर पानी भर गया है कि सभी को बहुत ही कष्ट झेलना पड़ता है। रायगढ़ ज़िले में पानी भर जाने से मुंबई गोवा राजमार्ग बंद हो गया। इगतपुरी के टिटवाला घाट से कहीं चट्टाने ढही तो कहीं रेल पटरी डूब गया। इगतपुरी से कसारा घाट तक आप देख सकते हैं पूरी जलमल हो चुका है और कई घंटों तक रास्ता बंद रहा। ये तस्वीरें बयान करती है, आप देख सकते हैं हर जगह पानी भरा हुआ है। इस कदर पानी भरा हुआ है कि थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ही ज़्यादा पानी भरा हुआ है और सभी को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ये रत्नागिरी का चिपकुल शहर है, जो कि आप देख सकते हैं जगह जगह पानी भरा हुआ है। हालात इतना ख़राब है कि लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सड़कें भी और नाले भी एक जैसा हो चुका है। आप देख सकते हैं बुरी तरह से पानी भर गया है। इसी तरह से नांदेड़ के सहस्त्रकुंड में पानी ऐसा भरा है कि यहाँ पर बेकाबू रफ्तार से पानी बह रहा है। ये देखिए, ये नांदेड़ की तस्वीर है, सहस्त्रकुंड की तस्वीर है, जहाँ पर पानी इतना ज़्यादा है कि इसको काबू करना मुश्किल है। दूर तक पानी बहने की आवाज़ें लोगों को डरा रही हैं। और नासिक ज़िले में भी भारी बारिश का कहर चल रहा है, जो कि देख सकते हैं जगह जगह पर पानी भर जाने से दूसरे खतरों को भी आशंका है, जो कि आप देख सकते हैं और भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है सभी को। यहाँ पे दूसरे खतरे का भी अंदाज़ा आप देख सकते हैं कितना तेज़ रफ्तार में पानी चल रहा है। मुंबई से सटे ठाणे ज़िले का जो तस्वीर आप देख रहे हैं कि हर घर में पानी घुस चुका है और घर भी डूब चुका है। और आपको बता दें कि रोड पे नहर जैसा धार चल रहा है। ऑटो का तस्वीर देखिए, जो कि आप देख सकते हैं आधा से ज़्यादा ऑटो डूब चुका है और घुटना से ऊपर पानी का धार चल रहा है। थाना का ये हालात आप देखिए किस कदर पानी भर चुका है। थाने का ही सटे भिमंडी सब्जी मंडी में आप देख सकते हैं इस कदर पानी भर गया है कि सारे काम बंद हो चुका है। और आप देख सकते हैं कमर से ऊपर तक पानी है, जो कि भिमंडी का ये तस्वीर है। हर जगह पे पानी पानी ही दिखाई दे रहा है। और मुंबई से सटे बदलापुर में भी आप देख सकते हैं जल जमाव जगह जगह पे हो गया है और भारी नुकसान हो रहा है यहाँ पे भी। और मुंबई से सटा हुआ कल्याण का तस्वीर आपको दिखा दें, जो कि पूरी तरह से डूब चुका है और यहाँ पे सभी को ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पर हालात इतना ख़राब है कि सभी को कष्ट बहुत ही ज़्यादा झेलना पड़ रहा है, जो कि देख सकते हैं पूरी तरह से डूब चुका है, सभी चीज़ डूब चुका है और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अब देख सकते हैं कल्याण का, मुंबई से सटा हुआ कल्याण एरिया है, जो कि आप देख सकते हैं पूरी तरह से डूब चुका है। ये तस्वीर आपको हम जो दिखा रहे हैं नाव पे बैठ करके अकोला का है। ये लोग बाहर जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी खतरा बढ़ चुका है और सड़कों पे चलने में बहुत ही कष्ट झेलना पड़ता है, क्योंकि नाली का ढक्कन खुल चुका होता है और ख़तरा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा होने का संभावना रहता है।
आप देख रहे हैं इंडिया तक राजदेवी न्यूज़। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।